इसमें डायरोमान रहीम माई नेम इज़ मोहम्मद शाह खान। और आज हम लोग जो चीज़ स्टडी करेंगे वो है 9th का चैप्टर नंबर 4, ठीक है, यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फॉर्मूलाज। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोगों ने जो चीज़ें स्टडी करनी है, आउटलाइंस में देखते हैं हमारे पास क्या है। आउटलाइंस में हमारे पास है, सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्टडी करेंगे, ठीक है, फिर इसके बाद अलजेब्रिक फॉर्मूलाज होंगे हमारे पास, ठीक है। जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास सर्च एंड देयर एप्लीकेशन, और जो लास्ट चीज़ हम लोग स्टडी करेंगे इस चैप्टर में वो हमारे पास है रैशनलाइजेशन। हम लोग सीखेंगे कि रैशनलाइज क्या होता है, ठीक है। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ आइडेंटिटीज़ को रिकॉल करना पड़ेगा और कुछ आइडेंटिटीज़ को, नई आइडेंटिटीज़ को, नए फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी आइडेंटिटीज़ हैं जो हमें इस चैप्टर को सॉल्व करने में हेल्पफुल होंगी। हमारे पास जो सबसे पहले फर्स्ट आइडेंटिटी है जो आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई है वो है ए प्लस बी होल स्क्वेयर। ए प्लस बी होल स्क्वेयर जो इक्वल होगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी के, ठीक है। सेकेंड आइडेंटिटी है, ये भी आपने पहले पढ़ी हुई है, ए माइनस बी होल स्क्वेयर इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी। अच्छा, ये जो दोनों आइडेंटिटीज हैं हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वेयर होती हैं। इनको याद रखने का फॉर्मूला, याद रखने के लिए आपने ये याद रखना है कि ऊपर वाली आइडेंटिटी में अगर प्लस आ रहा है, ठीक है, तो 2ab के साथ प्लस होगा, और नीचे वाली आइडेंटिटी में जिसमें माइनस है उसमें 2ab के साथ माइनस होगा, ठीक है। अब मूव करते हैं अपनी थर्ड आइडेंटिटी की जानिब। थर्ड आइडेंटिटी है हमारे पास a प्लस बी जो मल्टीप्लाई हो रहा है a माइनस बी के साथ, इसका रिजल्ट आएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये आइडेंटिटी भी आपने पहले पढ़ी हुई है, ठीक है। अब मूव करते हैं अपनी फोर्थ आइडेंटिटी की जानिब। फोर्थ आइडेंटिटी में हमने क्या करना है, हमने जो फर्स्ट टू आइडेंटिटीज पढ़ी हैं उन दोनों आइडेंटिटीज को हम लोग आपस में ऐड कर रहे हैं, ए प्लस बी होल स्क्वेयर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वेयर, दोनों को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, और इसका हमारे पास रिजल्ट आएगा टू ब्रैकेट में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो फिफ्थ आइडेंटिटी है, फिफ्थ आइडेंटिटी में हमने इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है, ए प्लस बी होल स्क्वेयर का हमने क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है ए माइनस बी होल स्क्वेयर से, ठीक है, और इसका रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 4ab, ठीक है। ये हमारे पास टोटल हो गई है 5 आइडेंटिटीज। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट आइडेंटिटी है वो है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वेयर। सिंपल है, हमारे पास तीन वैल्यूज आ गई हैं, तो ये इसका रिजल्ट इक्वल होगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac के, ठीक है। ये थी हमारे पास 6 आइडेंटिटीज रिलेटेड विद स्क्वेयर। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट आइडेंटिटीज हैं रिलेटेड विद क्यूब। क्यूब में हम लोग जो सबसे पहली आइडेंटिटी स्टडी करेंगे वो है a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब, ठीक है, जो इक्वल है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी के। इस आइडेंटिटी को अगर हम लोग ब्रैकेट ओपन करें तो हम लोग इसको ओपन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओपन फॉर्म में इसका क्या रिजल्ट आएगा देखते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर, इन दोनों में से किसी भी फॉर्म में हम लोग यूज कर सकते हैं जो हमें क्वेश्चन में रिक्वायर होगी। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, क्यूब वाली आइडेंटिटी वो है a माइनस बी होल क्यूब, इसका रिजल्ट आएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी के। इस आइडेंटिटी को हम लोग एक और तरह से भी लिख सकते हैं, अगर ब्रैकेट ओपन कर दें, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर,
ठीक है, इन दोनों आइडेंटिटीज को याद रखने का आपने तरीका क्या रखना है, जिस अगर प्लस है तो तमाम वैल्यूज प्लस में आएंगी और अगर माइनस है तो तमाम वैल्यूज माइनस में आ रही हैं। ठीक है, मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट आइडेंटिटी की जानिब, वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होगा, ये है हमारे पास ए प्लस बी ब्रैकेट में, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट है वो है ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, और इसी तरह से जो नेक्स्ट क्यूब की आइडेंटिटी होगी वो हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, जो इक्वल है ए माइनस बी, ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ये दोनों आइडेंटिटीज हमारे पास क्या है, बिल्कुल सिमिलर है, इसे इन्हें अब हम किस तरह से याद रखें, देखें ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जब प्लस आ रहा है तो ए बी के साथ ए बी के दरमियान में प्लस है और जो ए बी कंबाइंड फॉर्म में है वो है माइनस, ठीक है, मतलब प्लस प्लस और माइनस। इसी तरह नीचे वाली आइडेंटिटी पर आ जाए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब दरमियान में माइनस है तो ए बी के साथ क्या आएगा माइनस, और ठीक है और दरमियान में जो साथ आएगा वो क्या आएगा प्लस आएगा, ठीक है। ये हमारे पास टोटल आइडेंटिटीज हैं जो हम लोग इस चैप्टर में यूज करेंगे। अब हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज की जानिब, एक्सरसाइज 4.1 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 है, रिड्यूस द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस टू देयर लोएस्ट फॉर्म, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपने तीन चीज़ें याद रखनी हैं जो हम लोग यूज करेंगे। पहली चीज़, आप इसमें एक कॉमन लेंगे, ठीक है, देखेंगे अगर पूरे क्वेश्चन में कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो उसको कॉमन लेंगे, अगर कॉमन नहीं आ रही तो फिर सेकेंड चीज़ पर मूव करेंगे, वो है बाई अप्लाइंग फार्मूला। ये जो हमने तमाम फार्मूलाज पढ़े हैं वो फार्मूलाज अप्लाई करेंगे, ठीक है, और अगर कोई फार्मूला भी अप्लाई नहीं होता तो फिर हम लोग अपनी थर्ड चीज़ की जानिब मूव करेंगे, और वो थर्ड चीज़ क्या है हमारे पास, वो थर्ड चीज़ है हम लोग उसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, ठीक है। अब मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट की जानिब, विच इज 120 एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब जेड 5 ओवर 30 एक्स क्यूब वाई जेड स्क्वेयर, ठीक है। अच्छा, आपको कुछ पुरानी क्लास के रूल्स भी याद होंगे, व्हेन बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडेड, ठीक है, हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने के ये डिफरेंट मैथड होंगे। यहाँ पर हम लोग देखें क्या करते हैं, 120 और 30, ठीक है, इसको हमने सेपरेट लिख दिया है, फिर 2 एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स क्यूब इसे अलग लिख दिया है, वाई क्यूब ओवर वाई इसे सेपरेट लिख दिया है, और जेड 5 ओवर जेड स्क्वेयर इसे अलग लिख दिया है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 120 और 30 इनकी हम लोगों ने सेम टेबल पर कटिंग करनी है, और हमारे पास जो एक्स स्क्वेयर और एक्स क्यूब है, ठीक है, एक्स स्क्वेयर और एक्स क्यूब, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बड़ा क्या है, क्यूब बड़ा है या स्क्वेयर बड़ा है, क्योंकि क्यूब बड़ा है तो इसलिए हम लोग अपनी पावर को नीचे ले जाएंगे। आपको याद है जब भी पावर अप या डाउन मूव करती है उस पावर का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, अब क्योंकि एक्स स्क्वेयर डाउन मूव कर रहा है तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ऊपर 1 रह गया और नीचे आ जाएगा एक्स, और आपको पता है 1 रेज पावर नहीं लिखते, तो एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स क्यूब का आंसर आएगा 1 ओवर एक्स, ठीक है। फिर मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट की जानिब, हमारे पास है वाई क्यूब ओवर वाई, अब क्यूब ग्रेटर है, नीचे वाई रेज पावर 1 है, नीचे वाली पावर को हम ऊपर ले आएंगे, जब हम नीचे वाली पावर को ऊपर लाएंगे तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, वाई स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह जेड के लिए जेड क्या है, जेड 5 बाई जेड स्क्वेयर है, 5 बड़ा है तो हम लोग स्क्वेयर को क्या करेंगे ऊपर ले आएंगे, जेड 5 माइनस 2, ठीक है, जेड 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा, जेड क्यूब हो जाएगा, ठीक है, जेड 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा, जेड क्यूब, और हमारा आप देखें आंसर क्या आ जाएगा, 120 और 30 के हमने कटिंग की थी 4 आ गया था, फिर क्या बात किया था, एक्स डिनोमिनेटर में आ गया है, वाई न्यूमिनेटर में है स्क्वेयर, और जेड भी न्यूमिनेटर में है क्यूब, 4
वाई स्क्वेयर जेड क्यूब ओवर एक्स, ये हमारा है आंसर। ठीक है, हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की जानिब। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है 8a ब्रैकेट में है x प्लस 1 ओवर 2x² माइनस 1। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। हम देखते हैं इस क्वेश्चन में से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो सेकंड है हमने इसमें कोई ना कोई फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, अब देखते हैं हम इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब देखें जो ऊपर है न्यूमिनेटर वो तो हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में है, 8a x प्लस 1 मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। लेकिन डिनोमिनेटर में अगर आप आ जाएं तो डिनोमिनेटर में एक वैल्यू सिंप्लीफाई हो सकती है, वो है x स्क्वेयर माइनस 1। अब आपको पता है 1 जो होता है वो 1 का ही स्क्वेयर है, 1 का ही स्क्वेयर होता है, तो इसलिए हमने लिख दिया x स्क्वेयर माइनस 1 स्क्वेयर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी। और कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, हमारे पास आइडेंटिटी है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर विच इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। हम आइडेंटिटी को क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। हमारे पास ऊपर न्यूमिनेटर तो एज इट इज रहेगा 8a x प्लस 1, डिनोमिनेटर में आ जाएं, डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज, x स्क्वेयर माइनस 1 स्क्वेयर क्या हो जाएगा, एक बार x प्लस 1 और x माइनस 1। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनमें से जिन जिन की कटिंग्स हो रही हैं उनकी कटिंग कर देंगे। देखें किस किस की कटिंग हो रही है, हमारे पास 2 और 8 की कटिंग हो रही है, 2 वन ज़ा 2 और 2 फोर ज़ा 8। ठीक है, और x प्लस 1 और x माइनस 1 की भी कटिंग हो रही है हमारे पास। और अब जो बच जाएगा रिमेनिंग वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, 4a ओवर x माइनस 1, ये है हमारा आंसर। अब मूव करते हैं अपने थर्ड पार्ट की जानिब। हमारा जो थर्ड पार्ट है वो है x प्लस वाई होल स्क्वेयर माइनस 4xy ओवर x माइनस वाई होल स्क्वेयर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखें हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर हम लोग कॉमन लेने की बात करें तो कॉमन नहीं आ रहा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि अब इस क्वेश्चन में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो हम इसमें क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब देखें कौन कौन से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ऊपर न्यूमिनेटर में भी फॉर्मूला अप्लाई होगा और डिनोमिनेटर में भी फॉर्मूला अप्लाई होगा। और फॉर्मूला हमारे पास जो हमने फर्स्ट और सेकंड आइडेंटिटी भरी थी स्क्वेयर वाली, वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब अप्लाइंग फार्मूला, न्यूमिनेटर में अप्लाई कर रहे हैं ए प्लस बी होल स्क्वेयर विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, और डिनोमिनेटर में a माइनस बी होल स्क्वेयर विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। ठीक है, अब हम इस पर अप्लाई करेंगे तो x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर प्लस 2xy आ जाएगा, और नीचे x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर माइनस 2xy आएगा, और जो माइनस 4xy है वो एज इट इज रहेगा। अब देखें क्वेश्चन कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, प्लस 2xy और माइनस 4xy को हमने सिंप्लीफाई किया है और इसका आंसर क्या आ गया, माइनस 2xy। अब आप देखें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में तमाम वैल्यूज सेम है। आपको पता है जब ऊपर और नीचे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यूज आ जाएं तो दोनों कट हो जाती हैं और रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 1। तो ये जो 1 है हमारे पास, ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की जानिब, जो है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रैकेट में एक्स स्क्वेयर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर ओवर एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर।
अच्छा, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपने उसको देखकर सोचना है कि हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। कॉमन कॉमन तो हम ले नहीं सकते, हमने डेफिनेटली बात है को आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। अब इस क्वेश्चन में तीन आइडेंटिटीज अप्लाई हो रही हैं, एक फर्स्ट वैल्यू पर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब पर, फिर एक सेकेंड वैल्यू पर एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर पर, और फिर जो नीचे पूरी वैल्यू है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, इस पर भी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि हम कम से कम आइडेंटिटीज अप्लाई करके अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, तो अब हम क्या करें? तो उसके लिए हम लोग देखेंगे, हम सबसे पहले अपने फर्स्ट वैल्यू पर आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू पर कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है? क्योंकि क्यूब है, तो क्यूब की आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज ए माइनस बी, ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, हमने आइडेंटिटी अप्लाई कर दी। ठीक है, क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास? एक्स माइनस वाई आ गया, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, और बाकी तमाम टर्म्स एज इट इज हैं। अब देखिए, क्या न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कोई चीज़ कॉमन आ रही है? सेम आ रही है जी, दो दो वैल्यूज आ रही हैं। उन दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे? कट कर देंगे। ठीक है, पहली कौन सी वैल्यू कट होगी? एक्स माइनस वाई न्यूमिनेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी? कट हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट वैल्यू देखें, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, न्यूमिनेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, दोनों को क्या करेंगे? दोनों को कट कर देंगे, और जो रिमेनिंग वैल्यू है वो हमारे पास बच जाएगी। अब रिमेनिंग वैल्यू क्या आ गई? एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। आपको पता है ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला है। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला है? इस वैल्यू को अब हम लोग क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। ठीक है, अगेन फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, वो फॉर्मूला कौन सा है? ए माइनस बी होल स्क्वेयर विच इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी। ठीक है, यहाँ पर माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? एक्स प्लस वाई होल स्क्वेयर। ठीक है, अगर आप ऊपर वाली वैल्यू तक अपना आंसर छोड़ते हैं तब भी ठीक है, नीचे वाली वैल्यू ला कर आंसर छोड़ते हैं तब भी आपका आंसर ठीक होगा। ये है आपका फोर्थ पार्ट का आंसर। आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी चीज़ अभी आपको क्लियर नहीं हुई, तो आप हमारा पेज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें कॉन्टैक्ट करें।